बहुत ही गंदा वाला स्कैम हुआ है अमेजोन से। हेलो गाइस, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। सो टुडे इज 4th मई और आज बड़े भैया का बर्थडे है। बहुत ही तगड़ी वाली धूप हो रही है, देख सकते हो आप। मैं अभी भी उठा था, उठ के बस मैंने अभी जाके ब्रश व्रश करेंगे, थोड़ा काम वाम करेंगे। अभी भी आके टफा करी है। मैं कल रात को भी जल्दी सो गया था, 11 बजे के आसपास मैं सो गया था। कर रहा है, मैं फिर से सो जाता हूँ थोड़ी देर, मतलब 15 मिनट सोएंगे, उसके बाद उठ जाएंगे फिर से बाद में। 8:18 हो गए, मैंने सेकेंड राउंड ऑफ स्लीप भी ले लिए। पता नहीं आज कल रात को थोड़ा जल्दी सो गया था, लेकिन बॉडी थक गई थी उसलिए मैं फिर से सो गया। तो अभी उठ के थोड़ा काम करते हैं, ब्रश व्रश करके खाना वाना खाते हैं। ऊपर आया थोड़ी अभी वॉकिंग के लिए। मैं सो गया था, सोने के बाद अभी मुंह धो के चाय वाय पी के अभी ऊपर आया हूँ। मैंने आज मतलब एक स्कैम हुआ था, आपने अभी भी देखा था कि एक प्रोडक्ट आया था हमारे पास, ईयरफोन्स थे उसमें। हमने बोट के ईयरफोन्स मंगाए थे, ईयरपोड्स। तो जैसे हमने खोला, मतलब अप्रॉक्सीमेट कॉस्ट की 1600 के 1700 के आसपास थी। एक्चुअली जो उसकी प्राइस थी वो विदाउट डिस्काउंट वो 2500 के आसपास थी। मतलब पता हो ना अमेज़न में कि वो कट करके देते हैं प्राइस, तो सम परसेंट डिस्काउंट था, तो 2500 की थी और उसमें भी ऑफर लग रखा था आपकी बार। इट कॉस्ट अप्रॉक्स 1700 के आसपास, 1700-1500 के आसपास कुछ था यार अप्रॉक्सीमेट। तो हमने मंगवाया, मुझे पहले लगा था वो थोड़ा हल्का हल्का, पता चलता ना वेट से भी कितना हल्का लग रहा है कितना हल्का लग रहा है। तो जैसे देखा तो थोड़ा हल्का हल्का लग रहा था, तो मैंने देखा हल्का हल्का कैसे लग रहा है वो। जैसे मैंने उसे खोला, उसमें बताया 200 रुपये के ईयरफोन्स थे। हो गया वो स्कैम भाई, बहुत ही गंदा वाला घटा है। तो फिर मैंने उन्हें कॉल किया, थोड़ा उसने बोला कि भाई ऐसे कैसे कर सकते हो। चलो आज तो ये थी, अगर समझ लो कस्टमर केयर फ़ोन नहीं उठा रहे तब कैसा केस हो जाता। डायरेक्ट कंज्यूमर कोर्ट जाते फिर बहुत बड़ा इशू हो जाता। तो मैं उन्होंने बोला कि नहीं नहीं सॉरी सर, अगली बार से ऐसा नहीं होगा, जैसे हम देख लेंगे। तो फिर उन्होंने बोला कि रिटर्न पॉलिसी डाल सकते हो आप यहाँ पे। लेकिन बहुत ही गंदा वाला गड्ढा है। 2500 के जो ईयरफोन थे उन्होंने 250 वाले ईयरफोन देखे गए, वो बहुत बुरा हुआ है। अब उसे रिटर्न डाल दिया है, फिर से वो आएंगे। लेकिन आपकी बार क्या होगा, कहीं जो ये जो 800 या फिर 900 रुपये बच रहे थे ना, वो डिस्काउंट कम हो जाएगा आपकी बार। यही मैंने बीएड करवाई थी ट्रिम, वो बहुत लंबी हो गई थी, मतलब मुझे भी थोड़ी इरिटेशन आने लग गई थी, क्योंकि पता है ना समर के टाइम में कैसा कैसा लगता है। सिंधु की भी जो है हैरी पॉटर बुक का ही है, लेकिन मुझे पता बहुत ही, मतलब जो जे के रावलिंग है या फिर उसका जो मार्केटिंग का जो हेड है, उसने क्या अल्टीमेट लेवल पर पैकिंग करी है। मुझे तो जब सिंधु की बुक्स है ना, बहुत अच्छी लगी वो। तो जो उसके विद पैकिंग कैसी थी, वो सब कैसी थी। तो मैं जस्ट अभी अभी काम कर रहा था, मतलब सो गया था उससे पहले थोड़ा देर काम कर रहा था। काम करते करते फिर ऐसे ही चला गया नींद में। तो होना चाहिए, स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कंजर्वेशन ऑफ स्लीप का फैक्टर पता है ना आपको, वैसे ही करना है। मैं छोटा था ना, मतलब कि 7th क्लास में, मैं इसको पता माइक सोचता था, तो हेलो हेलो करके बोलता रहता था वहाँ पे। ये मत बोलना कि कुछ भी बोल रहा था करके, वो छोटे हुए जब दिमागी ऐसा था कि सभी का ऐसे ही चलता था, मेरा अकेला कुछ ऐसा नहीं था। अभी 9:32 हो रहा है और हम अभी व्लॉग एडिट करेंगे। अभी जो बना है, जो व्लॉग अभी तक बना है उसे एडिट करेंगे, एंड हम एडिट करके उसे अपलोड के लिए डाल देंगे। अभी तो नहीं करूँगा, मतलब 10 10 ओ क्लॉक कैसे करूँगा, जो पेंडिंग काम बचा है आज के लिए वो मैं क्लियर कर लेता हूँ। मैंने आज बहुत सारा, बहुत कम काम किया है, टू बी हॉनेस्ट मैंने बहुत कम काम किया है।
तो जो जो काम बचा है मैं वो कर लूँगा, क्योंकि डिपेंड मतलब कल के लिए पोस्टपोन हो जाए। और कल एक स्पेशल पर्सन आ रहा है हमारे इस व्लॉग में, कल एक स्पेशल पर्सन आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना वो कौन है स्पेशल पर्सन। टाइम 12:04 हो रहा है और अभी अभी मेरा जो सारा काम बचा था आज का पेंडिंग काम वो ख़त्म हो चुका है और मैं अभी एडिटिंग स्टार्ट कर रहा, फिर मिलते हैं। तो गाइज टाइम 12:46 हो रहा है और अभी इस व्लॉग को एंड करते हैं, हमारी एडिटिंग हो चुकी है बहुत सक्सेसफुली। पता नहीं एनर्जी आ जाती है भैया कि जब पूरा व्लॉग एडिट हो जाता है और हम मतलब असेंबल कर देते हैं ना, बस एक गुस्सा आ जाता है वो सुबह सुबह जब इंटरनेट इशू हो जाता है। मेरा मन करता है सुबह ही अपलोड करने का, पता नहीं क्यों, लेकिन सुबह अपलोड करने का मन करता है और रात को अगर सुबह इंटरनेट चल जाता आग बबूला हो जाता हूँ मैं। फिलहाल इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो को अच्छी लगी होगी तो वहाँ पे एक लाइक बटन होगा, उस लाइक बटन को दबा दीजिए। चैनल पर अगर पहली बार हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। You fill my soul with light the day we met. I don't wanna leave your side. Have me by your side when the sun sets.